बाबा का ECG हो गया कंप्लीट। डर लगा आपको? बाबा ने एक्चुअली बहुत अच्छा सुझाव दिया है कौन सा बाइक हम लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे, क्या बाइक देखना है। वो क्या पूल है भाई थर्ड गियर में। हेलो लवली फैमिली मेंबर्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी प्लान ऐसा है कि मुझे जाना है एक बाइक देखने अभिषेक के साथ। अभिषेक एक्चुअली बाइक चेंज करेगा, अब बहुत सारा बाइक है उसकी नजर में, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसको क्या बाइक लेना है। तो अभी हम लोग एक शोरूम जा रहे हैं एक बाइक देखने के लिए, उसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। अभी फिलहाल मुझे जाना है अपने बाबा का जो ECG है उनका ECG का एक टेस्ट है, ECG टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सो बाकी बातें चलती जाते मोटर ब्लॉग में करते हैं, लेट्स रोल। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना मेट्योर लेके, जो अपना बगमैन है इसको लेके नहीं जा रहा हूँ। यार ये देखो हर दिन का झंझट है, जितना भी कवर है सब कवर फाड़ दिया बिल्ली लोगों ने। यार एक दिक्कत है ना, मुझे हर बार फेस करना पड़ रहा है यार, सलूशन नहीं है मेरे पास इसका, क्या करूँ मैं। अगर आप लोगों किसी के पास सलूशन है इसका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बहुत बेकार का एक झमेला हो चुका है बिल्ली लोगों को लेके। हर बार जितना भी नया कवर है सब कवर फाड़ देता है। अभी बाइक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाबा आ गए, बाबा को लेके जाना ECG करने, इनका है ECG टेस्ट। सो चलिए। तो शाम के बजे 4:30 और क्या धूप है बाहर, दोपहर को बारिश हो रहा था और अभी इतना ज़्यादा धूप है ना, गर्मी में हालत ख़राब हो रहा है आजकल। कोलकाता का वेदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, कभी बारिश हो रहा है और बारिश एकदम से, मतलब है ना बारिश हो अच्छे से, ऐसा नहीं हो रहा है। 10-5 मिनट बारिश हो रहा है, उसके बाद बारिश ख़त्म, बारिश चला जा रहा है, फिर से धूप, फिर आधा घंटा बाद फिर से 5 मिनट के लिए बारिश हो रहा है, फिर से धूप, ऐसा हो रहा है। तो मौसम पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो रहा है। और हम लोग अभी आ चुके हैं बाबा का जहाँ पे चेकअप करना है, हेल्थ चेक यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, बाबा का ECG कंप्लीट कर लेते हैं पहले। A few inches later. तो बाबा का ECG हो गया कंप्लीट और बहुत सारा ब्लड टेस्ट है, उसके लिए ब्लड दे दिया। डर लगा आपको? डर नहीं लगा? और देखो आधे घंटे में मौसम का हालत, यहाँ पे बारिश भी हो चुका है, कब पता भी नहीं है। अंदर आधे घंटे में इतना कुछ हो गया बाहर, देख मैं बोल रहा था ना अभी अचानक से बारिश हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है, इतना धूप था, देखा आपने, इतना धूप था, अचानक से बारिश भी हो गया और अभी ऐसे मौसम, पता नहीं कैसे क्या करेंगे। अभी एक बार फ़ोन करके देखते हैं। यार इस साइड में तो अच्छा खासा बारिश हो गया मेरे घर के यहाँ पे। बाबा ने एक्चुअली बहुत अच्छा सुझाव दिया है, अभी बोल रहे हैं तुम एक काम करो आज के लिए बाइक छोड़ दो, बाइक लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी बारिश हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तुम स्कूटर लेके चले जाओ जो बगमैन है उसको, एक्चुअली उसके अंदर तुम अपना रेनकोट वगैरह बैग वैग जितना है वो रख पाओगे, अगर अचानक से बारिश हुआ तो रेनकोट निकाल के तुम पहन के अपना जो जहाँ जा रहे हो अपने आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बाइक में चलोगे तो फिर अपना एक बैग कैरी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये भी सही है, सुझाव तो बहुत मस्त दे दिया बाबा ने। तो सोच रहा हूँ अभी जाऊँ घर पे ये वाला बाइक रख देता हूँ, फिर बगमैन को लेके अपना ब्लैक पैंथर को लेके निकलते हैं। तो घर में अपना मेट्योर को मैंने रख दिया और फिलहाल अभी बगमैन लेके निकल रहे हैं, क्योंकि आसमान देख पा रहे हैं आप, सामने थोड़ा काला काला दिख रहा है, पता नहीं अचानक से कब बारिश हो जाए। अभिषेक को भी फ़ोन किया, अभिषेक भी वही बोल रहा है कि बारिश हो सकता है, क्या करें नहीं करें, मुझे चल ना देखते, तुझे देखना है बाइक लेना है देखना है तो चल। अभिषेक अभी मेरा फिलहाल वेट कर रहा है वहाँ पे अपने घर के वहाँ पे, तो चलते हैं वहाँ पे उसको पिकअप करते हैं फिर निकलते हैं। हाँ कौन है रे? हाय लौंडा, बाइक बाइक निकाला नहीं है, रेनकोट ओके, बाइक कल चलवाया ना। अच्छा बारिश में अपना बाइक को सुस्त तंदुरुस्त साफ सुथरा साफ रखना जरूरी है। अच्छा समथिंग इज कमिंग, अभी जा रहे समथिंग इज कमिंग, उससे पहले दो तीन चीज़ देखना पड़ेगा, दो तीन चीज़ तो सामान देखना पड़ेगा ना, कुछ नया आने के लिए कुछ तो टेस्ट करना पड़ेगा, क्या आना है उसके लिए, लेना क्या है उसके लिए, दो तीन चीज़ टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना बजट भी देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है बजट में, बजट के अंदर आना चाहिए।
तो थोड़ा बहुत मैं रिवील करता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली। अभी हम लोग जा रहे हैं ESD के शोरूम में। अब वहाँ पे कौन सा बाइक हम लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे, क्या बाइक देखना है, वो तो आपको शोरूम जाके मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं हूँ अभी सॉल्ट लेक साइड में, सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है इस साइड में आ चुका हूँ। और यहाँ से मुझे एक्चुअली जाना है बाबूई हाटी जो शोरूम है ESD का, जावा ESD, तो वहाँ पे हम लोगों को जाना है अभी। तो चलिए पहुँच के वहाँ पे देखते हैं कौन सा बाइक हम लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे या कौन सा, मतलब अभी तक फाइनल तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया। तो हम लोग अभी बाइक टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ पे क्या। और दो तीन कंपनी भी ट्राई कर रहा है, देखते हैं। तो हमको जाना है इधर, चलते हैं। चलिए तो गाड़ी का पहले यहाँ पर पार्क कर लेते हैं। तो अभी जो है टेस्ट ड्राइव लिया जा रहा है, अभिषेक के लिए जो चूज़ हो रहा है तो ये वाला है ADV ESD का एडवेंचर। अभी इसको टेस्ट ड्राइव लेने जा रहा है। इसका एक्चुअली हाइट का जो इशू है, उस हिसाब से इसका हाइट बहुत मस्त आ रहा है। गाड़ी तो मस्त लग रहा है भाई, मीटर देखो इसका कंसोल, पूरा कॉकपिट कंसोल है, पूरा लग रहा है मस्त है। अच्छा DB के लिए लगा हुआ है एंड आई थिंक इट कैन बी रिमूवेबल, इट्स रिमूवेबल। तो अभी आज जा रहा है बेटा, जाओ लेके आओ। फिलहाल तो देखिए मेरा तो बगबन यहाँ पे खड़ा है, ब्लैक पैंथर, और ये बड़ा भी मुझे मस्त लग रहा है, बॉबर 42। तो ये सोलो राइडर के लिए बहुत मस्त है। ले लो, मस्ती में चलो। और ये है स्क्रैम वर्जन, जो स्क्रैम्बल है, स्क्रैम्बलर वो वाला है यहाँ पे। तो भाई गाड़ी का फिट एंड फिनिश, मेटल टैंक है पूरा, मस्त है। और गाड़ी का हाइट थोड़ा है अच्छा खासा है, मैं सोच रहा हूँ इस पर चलूँ कि नहीं, ट्राई करो हाइट तो जुन है, बहुत हाइट है गाड़ी में। टिप ओ सेम ही वो हाइट के लिए थोड़ा हाइट है, तो हाइट के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उतना दिक्कत कुछ है नहीं। वो हमारा सेम पूरा मोजर मोतो ही, कोई एक्टर राउंड तो नीति है सेल पे। हमारे तो हाइट नहीं है इटा, चलिए हम भी थोड़ा चला के देख के आते। भाई सीटिंग पोस्चर तो मस्त है इसका, नाइस। गियर इंडिकेटर भी है, तो अभी तो स्पीडोमीटर इसका खुला हुआ है। वो क्या पुल है भाई थर्ड गियर में, जबरदस्त मस्त हॉर्न है। ओ क्या बात है यार, ब्रेकिंग तो मस्त बनाया गाड़ी का, ये बात तो सही है, ब्रेकिंग मस्त है इसका। नाइस हैंडलिंग बहुत मस्त है। चलिए यहाँ से गाड़ी को लेते हैं, घुमा लेते हैं फर्स्ट गियर। तो मेरे पास जो मोजो था एग्जैक्टली सेम, ओ नाइस मैन्यूवर भी अच्छा है, आपको गाड़ी घुमाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इजी टू प्ले, मज़ा आ रहा है। थोड़ा क्लच मुझे हल्का सा हार्ड लग रहा है, अब एकदम न्यू बाइक है जो टेस्ट ड्राइव के लिए आई है,
अब इसके लिए हो सकता है, आई डोंट नो, बट गाड़ी का पुल देखिए भाई, वो नाइस। बाकी अगर आपको इस बारे में, इसके इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक दिन आके पूरा डिटेल्स रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। बाकी तो बाइक अभी एकदम मस्त लग रही है, बट गियर थोड़ा सा हार्ड है, मतलब गियर लीवर क्लच लीवर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, बाकी तो सब सही है। नाइस, सही है, पूरा पहने वहने सेट करके गाड़ी लग रहा है ऐसा एकदम। यूटिलिटी कम्प्लीट हो गया पूरा एकदम। बाकी देखो पूरा सेटअप रेडी है, बस स्टॉप बॉक्स बाकी है, लगाओ और निकल जाओ गाड़ी को। तो बाकी या फाइनल डिसीजन अभिषेक रात को बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो गाड़ी अभी तक फ़िलहाल बहुत पसंद आया, और गाड़ी में सच में जो मज़ा जो चाहिए था जिस प्राइस पॉइंट में, एंड जो पावर डिलीवरी चाहिए था, मज़ा आ रहा है। चलिए अभी चलते हम लोग घर के तरफ, बढ़ते हैं। चल अभी चल, सिग्नल तो खुला है भाई, भागो 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 भागो, भागो। एडवेंचर चाहिए, एडवेंचर इसमें एरिया मुझे एडवेंचर दौड़ा चलो ना, एडवेंचर था उड़ी दी तम तो चुपता है, तो अरे एक तो सुनते क्यों तो चुपता है, एलाय बेंड होगा चांस नहीं तो, আর তো বাম্পি গুলো কে অ্যাবজর্ব করে না তো, আর এমনি সকারটা হেভি সকার ভাই, না ভাই আমার গাড়িটা চালিয়ে ভালো লাগলো, পাওয়ারটাও ভালোই আছে, নো ডাউট ভালো, আমি তো চাই, আমি অবাক হয়ে গেলাম এজন্য ভাই, লাগনি রে বারিশ পিছা ছড়ে গিয়েছে, বারিশ পিছা নিয়ে ছড়নে বালা আজ। তো ফিলহাল বাইক তো লগভগ পছন্দ বহুত হ্যায়, তো আমি বাকি ইসকো লেনা হ্যায় অভিষেক কো, তো আগার লেনা হ্যায় তো পুরা সামান জো অ্যাকসেসরিজ হ্যায় सब सामान देके लिया जाएगा, ये जो उसको टॉप ये है, पैनियर्स है, जेरिकेन्स है, सब लेके, तो प्राइसिंग जो है उसके ऊपर हम लोग बात बात करेंगे, देखते हैं अगर उसके बजट में आता है और उसके मतलब हिसाब से हो जाता है सब कुछ, तो यही वाला बाइक अभी लगभग फाइनल हम लोग पकड़ सकते हैं, अभी तक पता नहीं, जब तक फाइनल नहीं होता है। तो रात को हम लोग बैठेंगे आज, थोड़ा गप्पे वप्पे मारते हैं और देखते हैं क्या फाइनल होता है, बाकी बात आपको तो पता ही चल जाएगा, एक वीडियो मिल ही जाएगा कि क्या फाइनल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो या आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, टिल देन राइट सेफ राइट हार्ट, प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू वेयर हेलमेट एंड एंजॉय योर लाइफ माई फ्रेंड्स, बाय बाय।